69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ था अब उन पर गाज गिर गई है। 4 साल से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों को अब बैंक के एक नोटिस ने परेशान कर दिया है। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षक मामले में जिन बैंकों ने उम्मीदवारों को लोन दिया था अब उसकी रिकवरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस चीज का नोटिस अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दिनांक 17/8/2024 के दैनिक समाचार पत्र में 69,000 हुए शिक्षकों की भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ है। यदि 69,000 शिक्षकों में से आप द्वारा ओडी लिमिट ऋण, पर्सनल लोन या अन्य कोई ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया है तो पैसे शिक्षकों के खाते का स्वयं परीक्षण कर तथा सूची तैयार कर बैंक की धन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ससमय वसूली की प्रभावी कार्रवाई कर समस्त ऋण की ब्याज समेत 100% वसूली करना सुनिश्चित करें तथा जब तक स्थिति स्पष्ट ना हो जाए तब तक उपरोक्त शिक्षकों को ओडी लिमिट ऋण, पर्सनल लोन आदि का कोई ऋण भुगतान ना किया जाए। बता दें कि मंगलवार से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का घेराव कर आंदोलन शुरू किया है। आरक्षित श्रेणी के ये अभ्यर्थी जल्द नई मेरिट लिस्ट सूची तैयार कर भर्ती कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। ये सभी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐलान कर दिया था कि वो हाईकोर्ट के फैसले का जल्द पालन करेगी। सरकार का कहना है कि 3 महीने में शिक्षकों की एक नई मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब उन शिक्षकों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। जानिए कोर्ट ने क्या आदेश दिए। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 16 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने के आदेश दिए थे। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई सूची जारी करनी होगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में आरक्षण अनियमितताओं का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में पेंडिंग था। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। इसमें गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट पहुंच गए थे, जिस पर अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।